ஓம் சாந்தி. பீஸ் மை. ஞான் கே சாகர் பரமாத்மா நே பிரம்மா தன் மே பிரவேஷ் கர்கே ஹமே சம்பூர்ண ஞான் தியா. பாபா கே ரஹே ஹேன் மே இன்கே தன் மே ஆகர் துமே சம்பூர்ண நாலேஜ் தே தேதா ஹூன் க்யோங்கி மே ஹி ஞான் கா சாகர் ஹூன். तो हम सभी के लिए डायरेक्शन दे रहे हैं कि तुम भी रहम दिल बनकर ये ज्ञान सबको दो, क्योंकि सभी मनुष्य भगवान को पुकार रहे हैं, मांग रहे हैं, हे भगवान हमें दुखों से छुड़ाओ, सुख दो, शांति दो। तुम्हें रहम दिल बनना है और सभी को दुखों से छूटने का मार्ग बताना है। इस पर आज की सारी मुरली है विस्तार से। दुखी किसने किया? पहले तो बाबा एक बहुत प्यार भरी बात कह रहे हैं, ये सारी दुनिया मेरा घर है, नई दुनिया भी मेरी है तो पुरानी दुनिया भी मेरी है। ऐसे नहीं कि नई दुनिया ही मेरी है पुरानी नहीं है, नहीं, सब मेरे हैं, मैं मालिक हूँ। मेरे बच्चे दुखी हो गए हैं, मैं चाहता हूँ मेरे सभी बच्चे दुखों से छूट जाएं, सुखी हो जाएं। बहुत प्यार दे रहा है और याद दिला रहे हैं, बच्चे तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो, देवी देवता बनते हो, तुम्हारा आपस में बहुत प्यार होना चाहिए, कोई क्रोध नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। लेकिन असली बात कि तुम्हारा संपूर्ण बुद्धि योग मेरे से लगा रहना चाहिए। इस राजयोग से तुम पवित्र बनोगे और पवित्रता ही सुख शांति प्रदान करती है। दुखी क्यों हुआ मनुष्य? क्योंकि कामचिता पर चढ़कर सभी जल मरे। अपवित्रता आ गई तो दुख और अशांति आ गई है। सब जगह चेक कर सकते हैं, ये भगवान वाच कितना कितना संपूर्ण रूप से सत्य है। जहां भी दुख अशांति है वहां अपवित्रता है। जो मनुष्य दुखी है अपनी वासनाओं के कारण या अपने क्रोध के कारण, अपने मोहों के कारण, इच्छाओं के कारण, चिंताएं भी इसलिए हैं कि मन की शक्ति नष्ट कर दी है विकारों में, तो मन किसी बात को सहन नहीं कर सकता है, तनाव में रहता है, फिर चिंताएं होती हैं क्या होगा। तो हमें पवित्र बनकर सबको दुखों से छुड़ाना है। पहले स्वयं को बहुत सुखी कर देना है। बाबा याद दिला रहे हैं, मैंने देवी देवता धर्म की स्थापना की थी, जहां से लक्ष्मी से नारायण का राज था, संपूर्ण सुख शांति थी, चैन थी, विश्राम था, किसी को दुख नहीं था, कोई रोता नहीं था। तुम्हें अब बिल्कुल रोना नहीं है। कहीं तो फिल्म देखकर या रामायण सीरियल चल रही है या महाभारत में द्रौपदी का चल रहा है, रोने लगते हैं। बाबा कहते हैं कि ऐसे इमोशनल होते हैं, लेकिन कुछ भी हो जाए तुम ज्ञानी आत्माएं हो, तुम्हें कभी रोना नहीं है, क्योंकि तुम्हें तो रोतों को हंसाना है। तो हम ये विशाल कार्य अब कर रहे हैं और इसमें हम तत्पर हो जाएं पूरी तरह, क्योंकि मनुष्यों को ये पता नहीं है कि वे दुखी क्यों हैं, बीमारी क्यों बढ़ रही है, मानसिक रोग क्यों बढ़ रहे हैं, संबंधों में खींचातान क्यों बढ़ रही है। उनके को समझ में नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है, पैसा है लेकिन ये सब भी है। इसका कारण ये विकार है, पवित्रता है। जब तक पवित्रता से अपना श्रृंगार नहीं किया, दुख अशांति से कोई भी मुक्त नहीं हो पाएगा। तो हमें स्वयं भी किसी बात में दुखी नहीं होना है। और जो बाबा याद दिला रहे, मैंने देवी देवता धर्म की स्थापना की थी, तुमने उसको हिंदू धर्म कह दिया, अपने धर्म को भूल गए, तो किस किस धर्म में चले गए सब हिंदू जो देवी देवता थे। तो हमें पुनः अपने देवत्व को उजागर करना है, हम देवों की संतान हैं, तो बहुत सुखी हो जाएंगे। हमें पावरफुल भी बनना है, ताकि किसी भी परिस्थिति में, छोटी मोटी बात में हम रोए नहीं। तो चेक करेंगे आज की मुरली सुनकर, हम दुखी तो नहीं होते, हमारे अंदर अभी भी दुख समाया हुआ तो नहीं है, छोटी छोटी बातों में हम दुखी तो नहीं होते, छोटी छोटी बातों में बड़ी फीलिंग लेकर हम दुखी तो नहीं होते। क्या हमारे जीवन में, हमारे परिवार में संपूर्ण शांति है, या क्रोध शांति को
नष्ट कर रहा है या इच्छाएं मन को भटका रही हैं, तो पहले हमें दुखों से मुक्त, सुख शांति से भरपूर होना है और फिर रहम दिल बनकर कम से कम आपके परिवार में और आपके जो मित्र संबंधी हैं, जहां किसी न किसी तरह का दुख आता ही रहता है, उन्हें दुखों से जल्दी बाहर निकालना है, तो एक विधि भी मिलती जाएगी, सब योग भी सीखते जाएंगे, अपने परम पिता से जुड़ते जाएंगे और एक नई लहर सुख शांति की आपके परिवार में, आपके समाज में फैलती जाएगी। आज बाबा ये बहुत प्यार से कह रहे हैं, ये सारी दुनिया मेरी है, तुम सब मेरे बच्चे हो, सभी धर्मों के लोग मुझे ही तो याद करते हैं, मुझे दया आती है, मैं चलूं इन सब के दुख दूर करूं, ये मेरे बच्चे दुखी हो गए, ये कितने सुखी थे, ये कितने पवित्र थे, ये बात सब भूल गए हैं। वरदान बहुत सुंदर है, परम पूज्य आत्मा बनना है तो देखिए जो परम पूज्य हैं उनकी पत्थरों की मूर्तियों को भी लोग कितना प्यार करते हैं, उन्हें कितना सम्मान देते हैं, कैसी दृष्टि से उन्हें देखते हैं। हम पूरे स्वच्छ हो जाएं, पूरे पवित्र हो जाएं, तो हम परम पूज्य बन जाएंगे। ये बहुत आवश्यक है और ये स्वच्छता हमें परमात्म प्यार का अधिकारी भी बनाती है। बहुत ध्यान देना है, भगवान का प्यार किनको मिलेगा? जो बहुत स्वच्छ होते हैं, अर्थात जो बहुत पवित्र हैं, जिन्होंने अपने विकार उसके खातिर कुर्बान कर दिए, उस पर कुर्बान कर दिए या छोड़ दिए हैं पूरी तरह और पवित्रता का मार्ग अपना लिया है, तो हम परम पूज्य बनेंगे, संसार का भी प्यार मिलेगा और परमात्म प्यार भी मिलेगा। ज्ञानी आत्माएं वे हैं जो हर समय हर कर्म और संकल्प में ज्ञान का यूज करें, श्रेष्ठ कर्म करें। देखिए ज्ञान का मतलब ही ये है कि हमारे बोल ज्ञान युक्त हो जाएं, अभी ज्ञानी भी हो, समझदार भी हो, और कैसे कैसे बोल बोले तो कौन ज्ञानी कहेगा। तो आज सारा दिन चिंतन करेंगे, भगवान ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है सबके दुख हरने की, सबकी अशांति को नष्ट करने की, मुझे भी दुखों से अशांति से पूरी तरह मुक्त रहना है और अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर दुख हरता सुख करता हूँ, सर्वशक्तिवान की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं और चारों ओर फैल रही हैं, और संकल्प करें इनसे सभी के दुख दूर हों, तो स्वयं भी गुड फीलिंग होंगी, दूसरों को भी दुखों से मुक्त होने की अनुभूति होगी। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.